अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ गिन रहा है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3.25 साल के कार्यकाल में तकरीबन 12,000 बार झूठ बोले। इन सबसे इतर हम भारत की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों रामलीला मैदान में एक धन्यवाद रैली में बोल रहे थे, जहाँ पर उन्होंने एनआरसी और असम को लेकर कई सारी बातें कहीं, साथ ही डिटेंशन सेंटर पर भी एक बयानबाजी की। कहा जा रहा है कि यह बयान प्रधानमंत्री ने जो दिया है वो झूठा है। आइए हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला था उस रैली में। मोटा मोटा हमें समझते हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो सही कहा या वो भी झूठ बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने उस रैली में कहा कि हमने लाखों कॉलोनियां बांटते वक्त किसी भी तरह का धर्म नहीं देखा, जो कि सही बात भी है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्लियामेंट में गलत बयानी अलाउड नहीं है, वहां पर गलत बातें नहीं बोली जा सकती, और पार्लियामेंट में बोला गया है कि एनआरसी देश भर के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों से जब से उनकी सरकार आई उन्होंने एनआरसी पे बात नहीं की, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो उसे असम के लिए लागू करना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण बात बोली वो ये बोली कि पूरे देश में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। साथ ही विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों में देश की साख बढ़ रही है, इसी वजह से कांग्रेस सहित विपक्ष मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान को अगर देखें तो इसमें कई सारी तथ्यात्मक त्रुटि हैं, या ये कह सकते हैं कि इसमें कई सारा झूठ है। 20 जून 2019 को सरकार के अभिवादन प्रस्ताव पर बोलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि घुसपैठ से जूझ रहे क्षेत्रों में एनआरसी की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। क्या सरकार की तरफ से राष्ट्रपति के मुंह से झूठ बुलवाया गया? अगर प्रधानमंत्री की बात सही है कि एनआरसी केवल असम के लिए है, तो क्या राष्ट्रपति के मुँह से सरकार ने झूठ बुलवाया? क्योंकि सरकार का ही पर्चा राष्ट्रपति अभिवादन प्रस्ताव में पड़ रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री अमित शाह ने 21 नवंबर को लोकसभा में और 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को राज्यसभा में कहा कि अब ये मानकर चलिए कि पूरे देश में एनआरसी आने वाला है, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एनआरसी तो सिर्फ असम के लिए है। तो क्या गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री? क्या गृह मंत्री ने उसी पार्लियामेंट में झूठ बोला जहाँ पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि झूठ बोलना अलाउड नहीं है? इन सब से अतिरिक्त अगर हम डिटेंशन सेंटर की बात करें तो अकेले असम में 6 डिटेंशन सेंटर हैं। ये जो बोर्ड लगा है ये डिटेंशन सेंटर की ओर इंगित करता है। इसके अतिरिक्त अगर आप नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपके असम के 6 डिटेंशन सेंटरों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये डिटेंशन सेंटर असम के गोलापाड़ा, कोकराझाड़, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोराहाट और तेजपुर में स्थित हैं। क्या प्रधानमंत्री को मालूम ही नहीं कि उनके देश के असम में ये 6 डिटेंशन सेंटर इन 6 जिलों में पड़ते हैं? या प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि ये 6 के 6 जिले भारत की परिधि में नहीं आते? आखिर देश के सर्वोच्च नेता को इस तरह से एक मिसकंसेप्शन पैदा करना या गलत तथ्य रखने की क्या जरूरत पड़ी? या देश के सर्वोच्च नेता को देश को गलत जानकारी देने की क्या जरूरत पड़ी? देश के सर्वोच्च पद पर बैठे नेता से देश को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और देश को उनसे सीखना भी चाहिए, लेकिन अगर देश के सर्वोच्च पद से इस तरह की गलत बयानबाजी होगी तो जनता क्या सीखेगी? प्रधानमंत्री ने यह जानबूझकर झूठ क्यों बोला? उस लोकसभा को जिसमें झूठ बोलना अलाउड नहीं होता, क्या वहाँ पर गृह मंत्री ने झूठ बोला कि पूरे देश में एनआरसी आने वाली है? ये कई सारे सवाल हैं जो कि प्रधानमंत्री को साफ कर देने चाहिए। इस सबसे अलग अगर हम बात करें डिटेंशन सेंटर की, तो डिटेंशन सेंटर से संबंधित ये वीडियो हम आपके सामने छोड़े जाते हैं। आप खुद देखिए और डिसाइड करिए कि ये जो डिटेंशन सेंटर की बात हो रही है ये किस देश की बात हो रही है और ये डिटेंशन सेंटर किस देश में पड़ता है, क्योंकि हमारे भारत में तो कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। सेना के रिटायर्ड सैनिक मोहम्मद सनाउल्लाह को असम में पुलिस डिटेंशन से, पुलिस हिरासत से छोड़ दिया गया है। ये उनके रिहा होने की तस्वीरें हैं। कल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। सनाउल्लाह को विदेशी बताकर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया था एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के तहत। आपको बता दें 30 साल तक भारतीय फौज में नौकरी की है मोहम्मद सनाउल्लाह ने। उसके बाद रिटायर होकर असम पुलिस की बॉर्डर विंग के साथ जुड़े सब इंस्पेक्टर के तौर पर, और उसी बॉर्डर विंग ने कुछ दिनों पहले उन्हें विदेशी बताते हुए हिरासत में डाल दिया। और आधार बनाया गया 2008 की एक ऐसी रिपोर्ट को जिसे बनाने वाले अधिकारी अब कह रहे हैं कि ये गलत पहचान का मामला है।